इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की धनिया मंडी में मौजूद हैं और इन दिनों धनिया की आवक लगातार शुरू हो गई है। बताया जाता है कि जनवरी माह से धनिया की आवक होती है जो लगभग साल भर रहती है, लेकिन इस अभी वर्तमान में इसकी आवक अच्छी होती है। धनिए को लेकर हमारे साथ व्यापारी नवल जी हैं और नवल जी मित्तल से जानेंगे कि इस साल अभी किस तरह का धनिया को लेकर मार्केट है। धनिया अपना इंडिया का धनिया सबसे फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और धनिए की खपत ये मान के चले आप 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ बोरी साल की खपत होती है, और हर साल धनिया करोड़ बोरी आसपास पैदा ज़रूर होता है। पिछले साल बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, इसलिए इस साल कैरी फॉरवर्ड अच्छा है, मगर इस साल नया धनिया में क्राफ्ट बहुत कमज़ोर है। कुल मिला के राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सब मिला के 75 लाख बोरी से ज़्यादा हमारे अभी उत्पादन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में पूरी मनोवृत्ति जो है व्यापारी वर्ग की पूरे देश की तेज़ी में है। इसकी धारणा लोगों की 100 से 125 रुपये पर जाने की है। पूरी धनिया एक साल पहले भी 125 रुपये बिका है। अभी धनिया का मूल कारण क्या है, एक तो हिंदुस्तान का धनिया बहुत बेहतरीन, मतलब सारे मसाले हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट हैं। पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में धनिया की बहुत डिमांड है। अभी धनिया नया सिरे से जो आना चालू हुआ है, अभी बारिश के मौसम की वजह से इस साल एक तो कोई गड़बड़ हुई है, कोई कहता बढ़िया फसल है, कोई कहता थोड़ी ख़राब हो गई है। अभी फिर ये जो कल से जो मावटे ओलावृष्टि हुई है, इससे कोई क्षति बताते हैं और कोई बाद वाली फसल के लिए फ़ायदा बताते हैं। कुल मिला के इनाल में ये है कि धनिया की क्राप इस साल कमज़ोर है। ऐसे में धनिया में वातावरण बहुत तेज़ी का है। धनिया जनवरी फरवरी से आना चालू होता है, 4 से 5 हज़ार बोरी की आवक होती है, मगर इस साल 1,000, 1,500, 2,000 बोरी पर आके टिक गई है। एक आध दिन 2-3 हज़ार, 3,500 बोरी आई थी। रामगंज मंडी इसकी प्रमुख मंडी है पूरे इंडिया की, जहाँ सबसे ज़्यादा धनिया पैदा होता है और सबसे ज़्यादा धनिया वहाँ से जाता है। रामगंज मंडी, कोटा और कुंभराज, तीन जगह का धनिया काफ़ी फेमस है, मगर नीमच मंडी बहुत पॉपुलर हो गई है। और गवर्नमेंट ने भी जो MSME के तहत एक कृषि एक उपज के लिए जो योजना चलाई, उसमें धनिया को प्रमुखता दी है, क्योंकि धनिया का एक्सपोर्ट भी बहुत मोटा है। और इस साल जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट है उतना इम्पोर्ट कम है, अन्यथा बाज़ार में तेज होने का मूल कारण यही है कि इम्पोर्ट बहुत कम है। विदेशों में सब झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में क्या वातावरण बहुत दूषित है, और इंडिया की फसल से ही काम चलेगा, इसलिए इसका ध्यान तेज है। धनिया की प्रमुख मंडी है, नीमच भी अच्छी मंडी है, और इंडिया का धनिया मसाला सारा ही सब फेमस है। अच्छा, धनिया में कुछ वैरायटी जो खास आ रही है, उसमें वैरायटी होती होगी ना, ये वाला वो वाला? नहीं, धनिया में क्या होता है, धनिया तो सब एक सरी का है। अब जैसे साउथ के अंदर धनिया बादामी चलता है, जो लाल कलर का थोड़ा हो जाता है, डिश कलर। कहीं कहीं बढ़िया मुल्क में अपने महाराष्ट्र में या इधर ग्रीन धनिया खाते हैं। तो धनिया में क्या, बादामी, ईगल और स्कूटर, जो ज़्यादा बेस्ट कलर होता है उसको स्कूटर कलर कह देते हैं, पैरेट कलर कहते हैं। बाकी का सेकंड धनिया जो है वो ईगल कलर कहलाता है, वो जो बादामी धनिया आता है वो बादामी कहलाता है। सब धनिया सारा पिसाई में जाता है, अच्छे अच्छे प्लांटों में जाता है। धनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट सबका एक तरीका है। कलर खाली ये है, जैसे आज अंबानी का परिवार कहीं धनिया खरीदने भेजेगा तो वो 200-500 रुपये का धनिया उनको जितना बढ़िया बता देंगे वो ले जाएंगे। बाकी धनिया धनिया होता है, धनिया में कोई दिक्कत नहीं। और नीमच में धनिया की जो उड़ाते हैं कि मिलावट, यहाँ मिलावट किसी प्रकार के धनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि धनिया एक कृषि उपज है, उसके अंदर इंजेक्शन से तो कोई चीज़ भर नहीं सकते। हाँ, ये है कि उसको एक रूपता करने के लिए, उसका जर्म खत्म करने के लिए या फिविकेशन होता है, और फिविकेशन वैलिड है, सल्फर का धुआं से वैलिड होता है। ऐसे में ऐसा है कि नियम के तहत भी है। और जो भ्रांतियाँ हैं लोगों में है कि यहाँ पर कलर चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाने वालों के लिए व्यापारी संघ सख्त विरोध करता है और उनको उचित से उचित सज़ा मिले, इसकी हमेशा मांग करते आए हैं, मगर अभी सारा ब्रेक हो गया। पिछले 2 सालों से सब भूल गए लोग, बीमारी को सबको जेल हुई है, अच्छे अच्छों को जो भी करते थे, अब सब धनिया का साफ सुथरा मिला के। यदि कोई गंदा गलत काम, गंदा काम करने का तो हम तो उसका बहुत घोर विरोधी हैं। काम करने, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना मतलब अपने स्वयं के बच्चों को जहर देना है, ऐसे में हम बहुत विरोध करते हैं। अब अभी हाल 2-4 सालों में अच्छा साफ सुथरा व्यापार है। नीमच में एक बहुत बढ़िया धनिया आता है, अच्छा जाता है और पूरे विदेशों में सबको सप्लाई करता है। धनिया की जो उपज है तो अपने नीमच जिले को कितना क्या आता होगा यहाँ, और कहाँ कहाँ से आवक होती है? नहीं, नीमच में मनासा पट्टी का पूरा धनिया आता है, इधर राजस्थान से भी आता है। मतलब नीमच मंडी तो ऐसी मंडी है कि 300 किलोमीटर तक के सारे माल को हम कैप्चर करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि नीमच मंडी हमारी सारी मंडियों को माल को कैप्चर कर लेती है, क्योंकि नीमच में तोल मोल जोल की व्यवस्था बहुत उत्तम है। यहाँ का व्यापारी बहुत मर्द है, सोलिड है, यहाँ पैसे की फैसिलिटी बहुत है। 3-4 बजे बाद से यहाँ तो एक किसान पेमेंट के लिए नहीं बचता है। सारी मंडी लस्तन अगर 25,000 बोरी आएगी तो उसको भी बिक जाएगी, सुव्यवस्थित तरीके से बिक जाएगी, उसका पेमेंट हो जाएगा। इसलिए किसान मंडी नीमच में माल लाना पसंद करता है। 100 तरह की तो हर्बल आइटम आती है नीमच में। नीमच मंडी इतनी बड़ी मंडी है, चना, उड़द, मसूर, सोयाबीन, हर माल आता है। नीमच मंडी अपने आप में टॉप में है, इसमें कोई शक नहीं है। कुल मिला के जो आने वाला समय है धनिया के लिए अच्छा है? निश्चित रूप से वातावरण इस साल बहुत अच्छा है, लोगों का ध्यान बहुत तेज है धनिया में, क्योंकि धनिया की क्राप बहुत कमज़ोर है ऐसा बताते हैं, और ऐसा है भी। हम भी खुद धनिया का व्यापार करते हैं, हमारा ध्यान भी तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवल जी मित्तल, व्यापारी प्रतिनिधि और ख़ास तौर से धनिया का कारोबार करने वाले, जिनका कहना है कि आने वाला समय धनिया के लिए तेज़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग है।
विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम नीमच।